subscribe Quick News, press the bell icon and never miss an update. मैरी कॉम जब गुरुवार को रिंग में उतरी तो उनके कंधों पर करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों का बोझ था। मैरी अब तक उन उम्मीदों पर खरी भी उतरी थी, रिकॉर्ड 6 बार वर्ल्ड चैंपियन बनी। दुनिया भर के तमाम सम्मानित प्रतिस्पर्धाओं में देश का गौरव बढ़ाया, ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल भी अपने नाम किया, कमी थी तो सिर्फ गोल्ड मेडल की। जिन सपनों के लिए उन्होंने 38 वर्ष की उम्र में भी बॉक्सिंग जारी रखी और अपने सपनों का पीछा करती रही। हालांकि यह सपना अब टोक्यो ओलंपिक में टूट गया है। 6 बार की विश्व चैंपियनशिप एमसी मैरी कॉम 51 किलोग्राम को महिला बॉक्सिंग के क्वार्टर फाइनल में कोलंबिया में तीसरी वरीयता प्राप्त एंगेट वॉलेंसिया से हार का सामना करना पड़ा। पहले राउंड में मैरी को कोलंबियाई बॉक्सर से 1-4 से हार का सामना करना पड़ा, जबकि दूसरे राउंड में भारतीय मुक्केबाज ने जोरदार कमबैक किया और 3-2 से जीत दर्ज कर ली। हालांकि तीसरे राउंड में वॉलेंसिया ने न केवल कमबैक किया बल्कि मुकाबला 3-2 से अपने नाम कर लिया। जब रेफरी ने मुकाबले के अंत में वॉलेंसिया का हाथ ऊपर उठाया तो मैरी कॉम की आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान थी।